बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत करम फजल से आप ठीक होंगे। और अल्लाह की रहमत करम फजल से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो खाला के घर पे आया हूँ। खाला जो है वो बेसन वाली रोटियाँ बनाएंगी। अभी मसाला तैयार कर लिया पूरा। तो किस तरह से बनती हैं और किस तरह से गाँव देहात में तंदूरी के अंदर बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। खाला गोए बड़े ने ने हैं कुछ लकड़ियां पावांगे ना मेरे गोया ना ना पकदी हैं ये लकड़ियां पावांगे लकड़ा ना से तक गोया ना पावर होती है सही पर तंदूरी के अंदर आग लगाई भी तो तंदूर सही तरह से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद लगाएंगे। बेसन वाला मसाला तैयार कर लिया। तो अभी आटा गूंदा जा रहा है। दूध भी चोया बकरी का दूध है। अभी बकरी का ज्यादा पी, बकरी के दूध नाल कोई बीमारी नहीं लगती। खाल किन्ना किलो है? हाँ जी किलो दें दी बकरी, किलो असल है, किलो असल है। अच्छा लकड़ियां तो खाला अमरूद दी ना। हाँ अमरूद दी, बाग पत्तियां से तो उठा खाने दिया। ओ पीछे जड़ा नजर आ रहे हैं चूल्हे की रोटी का जायका नहीं, तंदूर की रोटी का जायका होता है। बचपन तो लाके शौक ही तंदूरी की रोटी का। देसी चाकी नहीं है, दूसरी हो तो बड़ी फिट बैठी यार। चाकी दूसरी है वो गोया ने थले आग लगी नहीं है। हां तो यार करेंगे अल्लाह ने कर दिया। खाला पीछे सारा अमरूदा ना बाग है ना। हां जी ओ सारा पीछे अमरूदा नवे बाग लगे ने, चकोतरे लगे ने, विच अनार लगे ने, विच मिठे लगे ने, विच माल्टे लगे ने, सब छटियां वाले लगे ने। ते किदो पक्कनगे सर्दियां च? बड़े देसी घ्यो है।
देसी घी है। रोटियां जब तैयार हो जाएंगी तो गरम गरम ऊपर लगेगा ये, और देखें कि माशाल्लाह इतना साफ बिल्कुल घी है। खाला ने छत के ऊपर बकरियां भी रखी हुई हैं। ये बकरा है और ये बकरी है और इसी का बच्चा है ये बकरा, और ऊपर छत के ऊपर ही खाला ने रखे हुए हैं। ये लकड़ियां रखी हुई हैं बाहर से लेके आई हुई हैं और ईंटें, इनका कमरा अलग बनाना है बकरियों का। छत के ऊपर ये सारा सिस्टम किया हुआ है, लकड़ियां रखी हुई, ईंटें रखी हुई हैं, ये बकरियों का कमरा बनाएंगे। कल लकड़ियां कौन लेके आंदा है? तो लकड़ियां भारियां नहीं होंदियां काफी? तंदूर बस 10 मिनट और लगेंगे। पीछे बैकग्राउंड देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, चारों तरफ हरियाली है और बागात हैं सारे, अमरूद का है, लीची का है, आम का है, इस तरह से सारे बाग हैं। चकोतरे लाए नी? अच्छा, तो लीची का भी बाग है ना? फार्मी नींबू लाए ने, देसी नींबू छोटे छोटे होंगे, फार्मी नींबू मोटे मोटे वो लाए ने, हरिया मिर्चा लाइया, सब्जियां भी सारियां ने। सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 8 बजे का, 8 बजने में कुछ मिनट बाकी है, तो मॉर्निंग टाइम है। और देखें माशाल्लाह कैसे इतना प्यारा व्यू है। पहले बना के रख ले देने, नहीं तो डेगदा नहीं बेसन रोटी तो बड़ा शौक है।
खाला पक्कन च टाइम नहीं लगता काफी आद पक गई है गरम गरम देसी घ्यो ऐसे ऐसे चौपड़ लाँगे फिर मज़ेदार हो जाने सारा मुश्किल ही नहीं दो से तीन दो रोटियां तैयार हो गई देसी घी लगा हुआ और बाकी एक उसके अंदर लगी हुई है और एक वो रखी हुआ और एक अभी लगेगी घी इसके साथ साथ ही लगाया जा रहा है रोटियां माशाल्लाह तैयार हो गई हैं तो खाला लगा रही देसी घी इस पे माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं तो देसी घी इन पे लगा हुआ ऊपर सारा देसी घी लगाया हुआ खाला ने तो सुबह का टाइम है नाश्ता मैंने किया नहीं बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई मुझसे सब्र नहीं हुआ जा रहा उम्मीद है आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़